हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलायंस की गिरावट खत्म हो गई है, क्या रिलायंस यहां से चलने वाला है या रिलायंस में और भी पैनिक सेलिंग आ सकती है, वो कहां तक नीचे जा सकता है और कौन से ऐसे लेवल होंगे जहां से रिलायंस में बाइंग स्टार्ट हो सकती है। रिलायंस का पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, डेली चार्ट पे कैसा दिख रहा है, वीकली पे कैसा दिख रहा है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहां से वो एक बाउंस बैक या फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि रिलायंस के प्रति अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं रिलायंस कैसा हुआ, अगर आपकी पोजीशंस रिलायंस में, तो ये वीडियो आपके काम आ सकता है। दोस्तों ये प्योरली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, तो प्लीज अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड लें। विपुल कौशिक, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर एंड मेंटर इज बैक विद हिज मास्टर क्लासेस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को हिट करें, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज अंत में जाके कमेंट करना मत भूलेगा, चाहे अच्छी कमेंट हो चाहे बुरी कमेंट हो, या अगर आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि आप किस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं, किस स्टॉक पर वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी कमेंट्स को रिप्लाई जरूर करूंगा। अच्छी होंगी तो भी रिप्लाई करूंगा, बुरी होंगी तो भी रिप्लाई करूंगा, बट प्लीज डू कमेंट्स। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रिलायंस कैसा दिखाई देता है। दोस्तों आपके सामने डेली चार्ट लाइंस का लगा के रखा मैंने। दोस्तों यहां से देखते हैं कि रिलायंस एक्चुअल में गिरता हुआ कहां से कहां तक आया। ये हाई था 2230 के आसपास का, यहां से रिलायंस गिरते गिरते यहां पे आया। अब यहां पे आने के बाद में कल जब बाजार में एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिल रहा है, तो क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अब यहां पे नेकेड अगर देखा जाए तो ठीक, एक छोटा सा रिवर्सल का सिग्नल दिख रहा है, जहां पे हम कह सकते हैं कि एक लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो क्या ये लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आने वाले दिनों में क्या हाई भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्या लोअर लो के पैटर्न को छोड़कर ये हायर लो और हायर हाई के पैटर्न को फॉर्म करेगा, ये देखने के लिए हमें देखना होगा कि रिलायंस कैसे बिहेव कर रहा है, यहां पे आगे क्यों रुका है, ये कौन सा लेवल है, क्या डिमांड सप्लाई जोन में आता है, या ऐसा कौन सा पैटर्न है जो ये फॉर्म कर रहा है। दोस्तों अगर यहां पे देखने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल एनालिसिस है गाइस, बहुत ही सिंपल। अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक लेवल था 1830 का, 1830 के आसपास का, जो इसने यहां फर्स्ट टाइम 4 नवंबर 2020 को टच करने की कोशिश की थी, उसको ब्रेक नहीं किया, दोबारा उसने उसको 29 जनवरी 2021 को टच करने की कोशिश की, उसको ब्रेक नहीं किया, उसके बाद से रिलायंस ऊपर ऊपर था। थर्ड टाइम आके रिलायंस यहां पे सस्टेन कर रहा है, यहां पे आके एक ब्रेक लगाया है। ये एक लेवल था जो बार बार उसने इसको भी टच करने की कोशिश की थी, कम से कम 3 से 4 बार उसने लेवल को यहां भी टच किया था, उसके बाद एक अच्छी खासी मूव आई थी। तो क्या रिलायंस वापस से ये जो प्राइस है 1900 के आसपास का लेवल जो है, क्या इसको रिट्रेस करेगा, क्या वापस इसको टच करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें क्या हुआ। रिलायंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टेरिटरी में दोस्तों ट्रेड कर रहा है। चलिए सभी इंडिकेटर्स को एक बार हटा देते हैं। यहां पर अगर देखें, 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूं, ये बच के देखिए कल क्या हुआ है। 9:15 से लेके पूरे दिन एक रेंज में रिलायंस ने ट्रेड किया। रेंज क्या रही गाइस, ये आपके सामने देखिए, ये रेंज रही सिर्फ 10 रुपये की रेंज रही, सिर्फ 10 रुपये की रेंज में रिलायंस ने पूरे दिन ट्रेड किया है। और यहाँ पे जो गिरावट हुई थी, देखिए ये 1980 के बाद 1950 तक का जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 1960 के आसपास की, उसके बाद इसने लो लगाया था 1940 के आसपास का, तो एक गैप अभी फिल होना बाकी है। 5 मिनट के चार्ट पे पूरा कंसोलिडेशन दिखाई दिया। क्या और छोटे टाइम फ्रेम पे देखे तो कंसोलिडेशन दिखाई देती है क्या। 1 मिनट के चार्ट पे भी यही सेम कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रही है। और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 30 मिनट्स पे कोई कंसोलिडेशन दिखाई दे रही है। 30 मिनट्स के चार्ट पे भी यही एक रेंज में ट्रेड किया। दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब रिलायंस ने पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड किया, तो वो हर टाइम फ्रेम पे वो रेंज आपको दिखाई देगी। अब देख लेते हैं कि ये डेली चार्ट पे आपने सपोर्ट इसके फाइंड आउट कर लिए, वीकली चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पे अगर देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन को रिलायंस हिट कर रहा है जो कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। तो क्या ये रिलायंस की जो गिरावट है, जो इतनी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। दोस्तों देखिए, अगर ये इस बार ब्रेक हो गया तो रिलायंस को यहां तक आने से कोई रोक नहीं पाएगा। 1600 तक के लेवल में रिलायंस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके और इस लेवल के बीच में देखिए, यहां के बीच में 1850 के बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो रिलायंस के लिए ये जो जोन है, जो 1870 से लेके 1900 के आसपास की जो रेंज है, 20-30 रुपए की रेंज है, इसको बाउंस करने के लिए यहां पे इसको अच्छी खासी बाइंग मिलनी चाहिए, यहां पे डिमांड मिलनी चाहिए, तो रिलायंस वापस एक बाउंस बैक दे सकता। नहीं तो रिलायंस को अगर ये लेवल ब्रीच हो गया, ये पूरी जो मूव थी, अगर पूरी मूव खत्म हो जाती है, इस मूव को देख लीजिए, ये जो मूव थी यहां से लेके यहां तक की जो मूव थी, ये ऑलमोस्ट 70% मूव खत्म हो चुकी है। और ये लास्ट सपोर्ट बचता है, अगर 70% की ये मूव भी खत्म हो जाती है और इस जोन में अगर ये एंटर कर जाता है, तो समझ लीजिए रिलायंस को 1600 तक आने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। समझने वाली बात है कि इस मूव में है क्या। चलो और अच्छे से पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं, इसको वापस डेली चार्ट पे लेके जाते हैं। हम इस पे अपने टूल्स को फिर से हटा देते हैं और देखते हैं ये मूव में आपको दिखता क्या है। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये पूरी मूव देखिए, पूरी मूव हमने इस स्विंग लो को, एक स्विंग हाई को पकड़ लिया। यहां पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने निकल के आ रही है। ये जो लेवल है, ये जो लेवल है देखिए,
1919 के आसपास का लेवल है गाइस, 0.786 लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है, लास्ट सपोर्ट। ऊपर से रिलायंस इस मूव के सभी सपोर्ट्स को टूटता हुआ है। पहले इसने 0.236 को ब्रीच किया, 0.382 को ब्रीच किया, 0.5 को इसने ब्रीच किया, 1986 को ब्रीच किया, अब वो 1919 की तरफ चल चुका है। कल से पहले मतलब उसने 12 अप्रैल को जो लास्ट ट्रेडिंग दिन था, कल वो 13 अप्रैल के आसपास का था, 12 अप्रैल को उसने 1911 का लो लगाया, इसको ब्रीच करने की कोशिश की थी पर सस्टेन नहीं किया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई 1911 की लो लगाया था 1900 के आसपास में। तो इस जोन में, इस जोन के नीचे वो ट्रेड कर चुका था। जी हाँ, इस जोन के नीचे वो ट्रेड कर चुका था। चलिए इसको भी मार्क कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे कल की जो कैंडल है गाइस, ये कल की जो कैंडल है, देखिए उसने टच करने की कोशिश जरूर की, 1917.85 का लो जरूर लगाया। यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस को, मैं जब कैंडल के ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो ऊपर प्राइस दिखाई दे रहा है, 1917.85 का उसने लो लगाया। क्लोजिंग हुई यहां पे, देखिएगा यहां पे क्लोजिंग हुई 1931 के आसपास में। तो इस जो मूव थी, जो स्विंग था, इस स्विंग का लास्ट सपोर्ट बचा है 0.786। अगर ये भी ब्रीच कर जाता है तो गाइस आप देखिए, ये आप लोगों को मालूम है, एक्चुअल में जो लोग फिबोनाची को ट्रेस करते हैं तो पूरी संभावना है कि रिलायंस यहां तक आ सकता है 1587 या आप इसको 1600 का लेवल बोलिए, इसको मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं। ये देखिए, ये वही लेवल निकल के आएंगे जो मैंने आपके लिए पहले मार्क किए थे। तो रिलायंस में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना होगा 1913 रुपए का, या 1913 में और 10 पॉइंट का हम डिविशन अगर ऐड करें तो 1900 रुपए से नीचे रिलायंस ट्रेड या क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये यहां से नीचे क्लोज होता है तो रिलायंस कैन इजीली स्लाइड बैक टू 1587। बट अगर इस टेरिटरी को यहां पे रिस्पेक्ट करने में कामयाब हुआ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ, तो यहां से रिलायंस की वापस से एक जर्नी स्टार्ट हो सकती है, देर आर फेयर पॉसिबिलिटीज। बट अभी रिलायंस में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। तो जो भी बाय करना चाहते हैं, जो लॉन्ग करना चाहते हैं रिलायंस में, मेरे हिसाब से अगर बाय करना है, रिस्क लेना है, तो 1900 शुड बी दी पोजिशनल स्टॉप लॉस फॉर दिस रिलायंस। उसके ऊपर चलेगा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर मान लो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाती है, प्रमोटर बाइंग आ जाती है, कोई भी FIs की बाइंग आ जाती है, स्मार्ट मनी अगर एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ से रिलायंस वापस से एक पुल बैक दे सकता है। बट 1900 विल बी अ वेरी वेरी क्रूशल सपोर्ट फॉर द रिलायंस इन कमिंग डेज। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन तो प्रेस कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि हम रात को 9:06 पे डेली लाइव मिल सकें और वहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकें। वहां पे हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ सकता है, कौन से स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। ये सब जानने के लिए आपको रात को 9:06 पे यूट्यूब लाइव सेशन में मिलना होगा, मंडे टू फ्राइडे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।